इस न्यूज के प्रायोजक हैं अरमान इंटरप्राइजेस। परफ्यूम, इतर एंड होम अप्लायंसेस के लिए कहीं हो जाना तो एक बार जरूर आइए अरमान इंटरप्राइजेस, बीजापुर बेस ताज कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में, मक्का मस्जिद के सामने, सोलापुर। नहीं नहीं, ये मैंने जो निवडणूक लड़ने का, मैं आज भी इस पर ठाम हूँ। नीतीश राणे नहीं, उसके अब्बा के सामने भी लड़ने तैयार हूँ मैं। मैंने ये मेरा मशवरा, मेरा ऑफर आला कमान को भेजा था। पता नहीं अभी उन लोगों ने मेरा नाम मध्य सोलापुर के लिए डिक्लेयर किए, लेकिन मैं जो बोला हूँ उससे मैं पीछे नहीं हटता कभी। अगर मुझे मेरी पार्टी ये चांस देगी तो मैं नीतीश राणे, उसका बड़ा भाई, उसके अब्बा, किसके भी सामने इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। रही बात नीतीश राणे की, ये जो सवाल बार बार टीका टिप्पणी करने की, इसको काम पे इसके लिए रखा गया है, इसकी इसकी इसको पगार पड़ती है। तो ये बेचारा जिसकी पगार कम हो जाती है, जिसको लगता है मेरी पगार बढ़ना चाहिए, मेरा सेट मेरी पगार बढ़ाए, उसकी पगार लेकिन बढ़ती नहीं है, तो वह ऐसा भोंकना चालू करते हैं ताकि उनके सेठ के कानों तक उनकी बात जाए, उनका काम उनको दिखे और उनकी पगार बढ़े। लेकिन इस बार ये जो होना था हो गया। आने वाले इलेक्शन के बाद इन लोगों की जबान कैसे बंद करना है वो हेमाएम को पता है। नीतीश राणे का सेठ वो खुद बोलता है मेरे बॉस कौन है, वो मेरे को आप लोग को बोलने की जरूरत क्या है, तो जग जा ही रहे। तो मेरे हाँ वो बोलते हैं, सागर बगले में उनके सेठ बैठे हुए हैं, वो एक देवेंद्र फडणवीस साहब उसके सेठ है, वो बोलता है। अगर फडणवीस साहब बोलते हैं कि मैं उसका सेठ नहीं हूं, तो वो आके आप लोग के सामने इनकार कर देगी, मेरा मुलाजिम नहीं है, और उसके ऊपर एक्शन ले ताकि ये पता चले महाराष्ट्र की जनता को कि ये सरकार जो है ऐसी बातें करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लेती है। मोर्चे की मुख्य मांग